ये अगर बंद नहीं किया ना तो भाई खटर खटर। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, 2-3 साल इससे परेशान रहना है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अब ये जो व्लॉग है ये अपना बर्थडे वाला व्लॉग है, मतलब आज के दिन व्लॉग बना रहे हैं, आज के दिन ही बर्थडे व्लॉग, लेकिन जब पोस्ट करेंगे तब देख लेना आप लोग। एंड सो के उठे हैं जस्ट अभी, क्योंकि गले में खराश हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खांसी होने वाली है, बट फिर भी जितना हो सके उतना अपन एक्सटेंड करेंगे। यार पीछे आप लोग जो बैग्स देख रहे हो, जैसे मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि अपन ट्रिप पे निकलने वाले हैं, मैं, अभियान, मम्मी, आभा सब निकलने वाले हैं, और भी बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं इस ट्रिप के अंदर। तो कहाँ होगा वो जब ट्रिप स्टार्ट होगा तब वो उसकी ब्लॉग में बता देंगे। ये वाला जो ब्लॉग है ये बर्थडे वाला ब्लॉग है, मैंने कुछ प्लान किया नहीं है। हो सकता है आभा ने कुछ प्लान किया हो, अगर उसने भी कोई प्लान किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मैंने कभी अपना बर्थडे प्रॉपरली कुछ सेलिब्रेट किया नहीं है। मैं घर पे रहना पसंद करता हूँ। एक है ना जो मेरे साथ पोपट हुआ वो मैं दिखाता हूँ। कहाँ है भाई ये? इंडिया की जर्सी विद पीछे विराट लिखा हुआ मैंने मंगाया था, क्योंकि आज 13 नवंबर को मैंने सोचा था कि क्यों नहीं आज बर्थडे के दिन, मुझे पता था कि इंडिया तो फाइनल पहुंचेगी तो अपन जर्सी पहन के, मैं, आभा, अभियान के लिए मुझे मिला नहीं तो अपन बैठ के ना फाइनल देखेंगे, बट अपना मस्त पोपट हो गया एंड इंडिया फाइनल में पहुंची नहीं है। वैसे आज फाइनल तो है बट आई डोंट केयर, क्योंकि इंडिया है नहीं उसके अंदर। वैसे जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से फॉर्म है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड जीत जाएगी, बट हो सकता है कि जिस हिसाब से लक चल रहा है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान जीत जाएगी। अब जब ये मतलब तक ब्लॉग शूट करो तब तक तो फाइनल हुआ नहीं है, बट उसके बाद आप लोग को पता चल ही जाएगा। मैंने एक चीज सबक समझ ली है कि भाई पहले से ही सोच के मत रखो, आपके पैसे एक तरीके से वेस्ट हो सकते हैं, बट इंडिया की जर्सी है, कभी ना कभी अपने को काम आने ही वाली है, कोई ना कोई फाइनल अपन खेलने ही वाले हैं, तो क्यों नहीं उस टाइम पे अपन पहन लेंगे। बट इस बार जिस हिसाब से मैंने सोचा था कि भाई मेरे बर्थडे के दिन क्या चांसेस है कि वापस कभी लाइफ में मेरे बर्थडे के दिन फाइनल होने वाला है, बट जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से काम हुआ नहीं। एक तरीके से मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही हुआ, बिकॉज जिस हिसाब से हमको इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में पेला है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया अगर फाइनल में आती तो इस हिसाब से खेल पाती, तो अच्छा ही हुआ बर्थडे खराब नहीं होने। तो अगर इंडिया फाइनल के दिन हार जाती, मेरे बर्थडे के दिन हार जाती, तो मुझे जिंदगी भर याद रहता है, एंड जिस हिसाब से मेरे क्रिकेट का बैकग्राउंड है ये मुझे लाइफ टाइम हॉट करता। बर्थडे के दिन भाई ये सब भी करना पड़ रहा है, क्योंकि तबीयत बहुत डाउन हो गई है, मतलब सर्दी खांसी दोनों फुल पकड़ लिया है, तो सोचा क्यों नहीं विक्स डाल के स्टीम ले लिया जाए, और अभी केक भी कट करना है, तो थोड़ा सा तबीयत सही कर लेते फिर केक कटिंग में आप लोगों को मैं मिलता हूँ। तब तक थोड़ा सा और ले लूँ, एक राउंड और लूँगा, फिर केक कटिंग में मिलते हैं। देखो भाई सेकेंड राउंड भी हो गए, और वहाँ पे ऐसा कोने में रख दिया है अपन ने वो स्टीमर जो है। और एक चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का जो बर्थडे व्लॉग आप लोग देखते हो उसमें सारी चीज़ें सेलिब्रेशन अच्छी अच्छी सारी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, बट ये एक तरीके से मेरा एक अलग व्लॉग है, क्योंकि देखो भाई क्या हालत है, एंड यही रियलिटी है, आप लोगों को मालूम है, सच्चाई व्लॉग अपन डालते हैं। लाइफ की जो चीज़ें अपने को ऐसा लगता है कि आप लोग देख के आप लोग को भी समझनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अपन ब्लॉग के अंदर डालते हैं। कहीं पे मैं घूमने नहीं गया हूँ, आज बर्थडे है मेरा, आज मैं 31 साल का हो गया, 31st बर्थडे है मेरा, 30 में एंटर करने के बाद पहला वाला साल है, उसके बाद भी ये हाल है, कहीं घूमने नहीं गए हैं, कहीं कुछ सेलिब्रेट नहीं किया है, अभियान के साथ बस अब केक कट करेंगे, यही हम लोग का सेलिब्रेशन होने वाला है। दोपहर को थोड़ी सी बिरयानी मंगा के हमने खा ली थी, यही सच्चाई है अपनी, यही जो दिख रहा है वो फ्रेश होता है, बिकॉज नहाया भी नहीं हो, बर्थडे है सुबह से नहीं नहाया क्योंकि हालत बहुत टाइट थी। कोशिश करूंगा कि अभी गर्म पानी से थोड़ा सा शावर ले लूँ, कपड़े अच्छे से थोड़े से पहन लूँ, केक कटिंग आप लोगों को मैं दिखा दूँ। चलो भाई बर्थडे के लिए रेडी हो गए, हल्का सा फ्रेश होके, और ये आंडू गुंडू चल, हाँ चलो, अब कुछ वो लोग ने डेकोरेट किया है आबा मम्मी ने, तो ये मेरे साथ था यहाँ इतना देर, अब चलो डेकोरेशन देखते हैं। हाँ भाई चलो एसी चालू कर दिया है भाई, कहाँ क्या डेकोरेट किया है, ओ हो ओके, सब याद ने ये लोग ने हल्का सा डेकोरेशन किया, ऐसे नहीं बट जितना भी किया है बहुत प्यारा लग रहा है, दो दो चार चार बलून, और ये भाई आप लोगों को पता ही है ये जहाँ रहेगा वहाँ कुछ ना कुछ कांड करेगा, ये तो वो देखो दिख रहे, हाँ अंडू गुंडू बोल रहे। चलो अब छोटा सा अपन केक कटिंग का सेरेमनी कर लें, फिर देखते हैं अगर थोड़ा सा तबीयत सही लग रहा है तो बाहर चलेंगे।
मेरे बर्थडे से ज्यादा खुशी थी इसको थी। कैंडल जला के फूकना चालू कर दिया और यही दो केक आया है अपने पास, तो वही अपन ने करके एक छोटा सा सेलिब्रेशन था। क्योंकि तबियत मतलब घर में वैसे भी थोड़ा सा लोग की तबियत थोड़ी सी डाउन है। सबसे ज्यादा खुश ये है, इसको देखो केक देख के, तो सबसे ज्यादा खुश ये था, ये खुश तो भाई हम लोग खुश है। अब देखते हैं अगर हो सके तो थोड़ा सा बाहर जाएंगे। मेरे को बहुत दिन से पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो मैं और घर वाले सब साथ में निकलेंगे। अगर जाते हैं तो वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, और फिर आके तो जो बात करनी है वो करेंगे। भाई संडे को बर्थडे आने का डिसएडवांटेज ये देखो कि फूड जॉइंट में भीड़म भाड़ है। देखो ये देखते हैं, पार्किंग तो मिल गया अपने को बढ़िया, बट अब देखते हैं खाने मिलता है कि नहीं। अच्छा मम्मी और दादी जो है जब तक पानी पूरी खाते हैं तब तक मैं और अभियान घूम लेंगे। एक्चुअली मुझे भी पानी पूरी खाना था, बट गले की खराबी की वजह से अपन नहीं खा रहे हैं, तो अपन ने कुछ और लिया, सेव पूरी लिया है, तो सेव पूरी खाएंगे और फिर घर चलेंगे। तू तब तक खा ले भाई सूखा पूरी। भाई ये भीड़ देख लो, ये एक्चुअली महावीर नगर जो कांदिवली में है वहाँ की खाओ गली है। यहाँ का एक स्पेशलिटी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको कोई भी नॉन वेज आइटम नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वेज चाट फ्राइड आइटम्स और फ्रैंकी वैंकी का पूरा जगह है। ये जो महावीर नगर का बड़ा सा डीमार्ट है उसके जस्ट ऑपोजिट ये पूरी खाऊ गली, गली तो नहीं मतलब खाऊ एरिया है। मतलब यहाँ पे आपको हर टाइप का जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मम्मी और दादी का पानी पूरी हो चुका है, अभी हम अभियान को ट्रांसफ़र करेंगे मम्मी के पास और खुद पहलेंगे सेव।